क्यों भाई, इस वीडियो में आपको जानना होगा और देखना होगा कि हम काहे इस तरह करके बैठे हैं। तो काहे बैठे हैं, क्या आप भी पेमोंग चला रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अन्यथा आपको बहुत पछताना होगा। कैसे देखिएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पेमोंग एक बुरी तरह से फंस चुका है। पेमोंग एपीएस सर्विस पोर्टल जो है बुरी तरह में फंस चुका है। तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बुरी खबर है, रिटेलर के लिए नहीं है। रिटेलर के लिए कुछ खबर है बुरी खबर, लेकिन आपको अंत तक देखना होगा वीडियो, तभी आप समझ पाइएगा, अन्यथा आप नहीं समझ पाइएगा। तो मैं अजीत कुमार यादव इस वीडियो में आपको शुरू करता हूँ एपीएस के पेमोंग के बारे में। तो पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा, अन्यथा आप नहीं समझ पाइएगा। क्या आपको पता है कि पेमोंग ये बुरी तरह फंस चुके हैं? कैसे फंसे हैं, इसके वीडियो में पूरा प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। मोबाइल की स्क्रीन पे अभी नहीं लेते, लेके जाएंगे लास्ट में, लेके जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सोल्यूशन होगा इसको। तो आप सुनिए इसका, पेमोंग के कहानी के बारे में। पेमोंग क्या इसमें बुरी खबर है कि जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर था अपना रिटेलर मतलब बनाया हुआ था, पेमोंग के साथ फ्रॉड हो चुका है। क्या फ्रॉड हुआ है? 1.5 लाख तक, मतलब 1.5 लाख का मेरा ही एक दोस्त है, उसका मतलब बुरी खबर आ चुका है। क्या आ चुका है? उसने 1 से 150 मतलब आईडी क्रिएट किया रिटेलर क्रिएट करने के बाद एक आईडी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर, वो डिस्ट्रीब्यूटर ना क्या किया, एक फ्रॉड रिटेलर बना दिया था मेरा दोस्त ने। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है और डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किया पहले, उसके बाद आप उसने एक फ्रॉड रिटेलर बना दिया। फ्रॉड रिटेलर क्यों बनाया गया? डॉक्यूमेंट पूरा मतलब अलग अलग टाइप करके, और पैसा मतलब अकाउंट में मेरा जो फोन पे वॉलेट में था वहां पे फोन पे में पैसा ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद मेरा दोस्त ने क्या किया, अपना वो रिटेलर बना दिया। उसने वो ध्यान देके नहीं देखा कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, तो उसने अपना रिटेलर बना दिया। रिटेलर क्रिएट करने के बाद उसने वेरीफाई जब हुआ ना, तो उसका अकाउंट चालू नहीं कर रहा था। वो तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने चालू कैसे करवाया? तो अपना फोन करके उस कंपनी ने चालू करवाया। कंपनी के पास जैसे कॉल किया तो वेरिफिकेशन के लिए वो बोला कि एक्टिवेट नहीं हुआ मेरा आईडी, तो एक्टिवेट कर दीजिए। तो एक्टिवेट कराने के लिए उसको सर को बोला, तो सर ने क्या किया, एक्टिवेट तो कर दिया आईडी, लेकिन वो क्या किया, अपना दोस्त जो था डॉक्यूमेंट जितना सारा भेजा हुआ था सब पूरा मतलब गंदगी से भरा हुआ था। गंदगी क्या आप लोग तो जानते हैं, गंदगी मतलब वही जो फ्रॉड करता है। फ्रॉड करने वाले तो आज तक दुनिया में बहुत सारा फैले हुए हैं। तो फ्रॉड आप अभी के युग में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप जब भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बनाएंगे तो उसका डॉक्यूमेंट सही देख लीजिएगा, उसको वेरिफिकेशन अपना कर दीजिए, ये फ्रॉड तो नहीं ना, ये बंदा फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, तभी मतलब उसका आप रिटेलर या तो डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। तो इसमें आपको चेक कैसे करना है, अगर आपके पास 100 या 150 अगर रिटेलर है तो रिटेलर को आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो जैसे 1.5 लाख तक मतलब मेरा रिटेलर के साथ मेरा मतलब जो भाई है उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका मतलब जो रिटेलर जो क्रिएट किया था ना, वो 1.5 लाख तक फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड करने के बाद क्या हुआ, जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का जो वॉलेट में पैसा कमीशन शो करता था ना, उससे कमीशन जितना था पहले का वो क्लोज कर दिया। उसके बाद वहां से ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना निकाल से करना, कमीशन आता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसका। मतलब कमीशन महीना में लगभग 4 से 5 हजार आ जाता था। तो यही प्रॉब्लम है कि आप लोग भी सोच समझ के अपना रिटेलर क्रिएट कीजिएगा या तो डिस्ट्रीब्यूटर कीजिएगा। आप अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको कैसे वेरिफिक, अगर आप सुपर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको क्या करना है, इसको वेरिफिकेशन करना है, ये करके रिटेलर को वेरिफिकेशन करना है। तो ये देखिए मोबाइल के स्क्रीन पर आपको ले आए हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अगर मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद डेस्कटॉप साइड मोड कर लेना है, ताकि आपको भी वीडियो मतलब अच्छा से मतलब वो देख सके आपका वेरिफिकेशन कोड के लिए क्या क्या कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इस मोबाइल में आपको दिखाया जाएगा। तो अगर मोबाइल में अगर करते हैं तो क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और वहां से अपना पेमोंग जो वेबसाइट है, अगर आपके पास नहीं है कि पेमोंग वेबसाइट कैसे खुलता है तो आपको क्या करना है, मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपका लिंक दे देंगे, वहां से मतलब पेमोंग के एपीएस सर्विस पोर्टल में और लिंक वहां वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो वहां पे अगर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है जानते हैं? नहीं जानते हैं। लॉगिन जैसे कर लिए ना तो आपको डायरेक्ट उसमें ये करके जितना बंदा आप रिटेलर क्रिएट किए हैं, जितना बंदा आप रिटेलर क्रिएट किए हैं सबका ये करके मोबाइल नंबर पे कॉल करना है आपको, और उसका डॉक्यूमेंट फिर से ओरिजिनल अपने पास सेंड करना है। और सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको सब आईडी प्रूफ उसका मिलाना होगा आपको। सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको
इनएक्टिव कर दीजिए है तो ब्लॉक कर दीजिए उस बंदा को, नहीं तो आपका भी कमीशन वॉलेट में शो नहीं करेगा, आपका कमीशन नहीं मिलेगा। अगर दो चार पांच जो भी आपके पास रिटेलर, आपका कमीशन नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपका कमीशन नहीं आएगा। तो हम भी सोचे कि आप लोग के लिए, अगर मेरा फ्रेंड है तो आप लोग को भी काहे ना बता दें कि इस मतलब पेवों के बारे में इस तरफ फ्रॉड हो चुका है, इसलिए आपको बता दें कि यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है, ओपन करना है अपना, और वहां पे जैसे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया ना, तब क्या करना है रिटेलर लिस्ट में जाना है। रिटेलर लिस्ट में जाने के बाद आपको वहां मोबाइल नंबर शो करेगा, मोबाइल नंबर जैसे शो करेगा उसमें आपको कॉल करना है, या तो आपको व्हाट्सएप से मतलब डॉक्यूमेंट सेंड करवा के आपको सैमसंग मिलाना है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसको ब्लॉक कीजिए, तो इनएक्टिव कीजिए, नहीं तो आपका वॉलेट का कमीशन खोज चाहिएगा, आपका पैसा एक रुपया भी नहीं मिलेगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना कमीशन ले सके सही टाइम पे, ऐसा काम दोबारा ना हो। तो चलिए, आज का वीडियो में बस इतना, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। हमको दुख सा महसूस हो रहा है कि ऐसा मेरा भाई ने 4,000 से 5,000 कमीशन उसका मंथली आ जाता था, उसका अभी नहीं आ रहा 2 महीना से। तो हमको आज ही पता चला, तो इसलिए आप लोग के लिए हम वीडियो बना दिए, ताकि आप लोग भी वीडियो देख के इस तरह का घटिया काम ना करें और आदमी भी घटिया काम ना करें, जो भी रिटेलर है इस तरह का दूसरे के साथ दुर्व्यवहार ना करें। तो चलिए, बस आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो।